Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मैं इटली के शहर लागो डीजियो जो कि ब्रेशिया से 22 किलोमीटर के फासले पर है और मिलान से तकरीबन 82 किलोमीटर वहां से डायरेक्ट वहां तक हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं मेरे भाई बहनें भांजे भतीजे रिश्तेदार बरादरी शरीके वाले दोस्त दुश्मन सब जो भी हैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा मैं फेसबुक पे पढ़ रहा हूं कि पाकिस्तान में अभी तक कोरोना वायरस को एक मजाक समझा जा रहा है खुदारा इसको आप मजाक ना लें मैं जिस मुल्क में 30 साल से रह रहा हूं इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से 1000 गुना ज्यादा है टेक्नोलॉजी मईशत तरीकाकार 1000 गुना मैं कह रहा हूं 1000 गुना पाकिस्तान से ज्यादा है और अगर इन्होंने सरनगू कर दिया है अपने सरों को कोरोना वायरस के आगे हथियार फेंक दिए हैं तो प्लीज पाकिस्तान में रहने वालों कराची लाहौर सियालकोट पेशावर पिंडी मुल्तान जहां जहां भी मेरे को दोस्त हैं जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे खुदारा इसको मजाक ना समझिएगा हम हमारा ईमान है हम मुसलमान हैं मौत का एक दिन मुतय्यन है लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि हम खुदकशी की तरफ जाएं या हम मौत की तमन्ना करें अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मौत की दुआ करने से मना किया है तो ये देख लें मैं उस सिटी से महातब हूं कि साबा तो हफ्ते का दिन हो और 12:15 का टाइम हो और यहां एक इंसान भी आपको नजर नहीं आ रहा यह हुकूमत का आर्डर है कि आप बाहर नहीं आ सकते ये देख लें कानून की हुक्मरानी है इतना मरीज से 100 गुना ज्यादा रश इस मेरी सिटी में होता है मैं 28 ईयर से इस सिटी में मुकीम हूं ये देख लें लागो है झील है बहुत खूबसूरत जन्नत नजीर एक मंजर है लेकिन अभी देखकर खून के आंसू रो रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं फैमिलीज हैं अपने अपने घरों में हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हदायत हैं उस पर अमल कर रहे हैं काम पे भी जाते हैं लेकिन मैं सिर्फ आज मजबूर हुआ दानश्वर नहीं हूं सहाफी नहीं हूं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो मेरे सियालकोट लाहौर कराची मुल्तान पेशावर कोयटा में रहते हैं उनसे एक गुजारिश करूंगा खुदारा इसको मजाक ना समझिएगा एहतियाती तदाबीर कीजिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको सबसे ज्यादा ये देखें मेरे हाथ पे दस्ताना है और ये देखिए मेरे मुंह के ऊपर नकाब ये तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि हाथ को और मुंह को ढांक कर रखिए और नमाज जो कि हम लोग पढ़ते हैं दुआ में हमें भी इटली वालों को भी याद रखिएगा हम पाकिस्तान वालों को याद रखते हैं अल्लाह ताला जल्द इस मुसीबत से सारी दुनिया को निजात दे मैं दिल की अथाह गहराइयों से दुआगू हूं अल्लाह ताला ये मुसीबत जल्द अज जल्द टाल दे बहुत बहुत शुक्रिया आपने देखा कमेंट्स किए और दुआ में याद रखना इटली को पाकिस्तान को और सारी दुनिया को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह